नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नम आंखों से कान्हा को दी गई विदाई। प्रतिमा विसर्जन के साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 5 दिवसीय त्यौहार संपन्न हो गया। तेगरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला के लिए प्रसिद्ध व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। कोरोना की वैश्विक महामारी के 2 वर्षों बाद तेगरा व्यापार नगरी में 5 दिवसीय भगवान श्री कृष्ण मेला की भव्यता, मेला समिति एवं प्रशासनिक चुस्त दुरुस्त विधि व्यवस्था एवं बुद्धिजीवियों के सहयोग से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होना भी एक ऐतिहासिक कदम को गौरवान्वित करती है। मेला मंडप में हवन पूजा, कन्या भोजन सहित अन्य कार्यक्रम संपादन के पश्चात रंग बिरंगे पुष्पों व गुब्बारों युक्त वाहनों पर गाजा उपस्थिति में सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा विराजमान की गई। उनकी आरती कर जयकारे के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में युवा, महिला, वृद्ध एवं बच्चों सहित बैंड बाजों की धुन पर नृत्य करते हुए सेवा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकालने के पश्चात प्रतिमाओं को जलाशय में विधि विधान के साथ विसर्जित की गई। विसर्जन के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार, मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, सचिव रवि कुमार पासवान, कोषा अध्यक्ष गौरव कुमार पंडित, उप कोषा अध्यक्ष मोहम्मद आलम, व्यवस्थापक प्रवीण कुमार गुप्ता, उपेंद्र मेहता, राजेंद्र ठाकुर, नवल सानी, मनोहर चौधरी के अलावा तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। I'm gonna go to the bathroom.